Hi everyone. In this video, we will start a new topic called input and output. So input and output, हम various other programming languages में भी read करते हैं, चाहे आप C, C++ या Java या फिर other programming languages की बात करें, हर जगह input output का concept applicable है. And input output से मतलब ये है कि हम computers में क्या input के तौर पे provide कर सकते हैं और क्या आउटपुट के तौर पे उससे जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं. इनपुट आउटपुट के लिए हम वेरियस मेथड्स और जो फंक्शंस जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं उस लैंग्वेज के जरिए हम उसको यूज़ करते हैं. तो थ्रू आउट द पाइथन कोर्स हम इनपुट आउटपुट लैंग्वेज फंक्शंस और स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. बट हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इनका सिंटैक्स क्या होता है और कैसे हम इसको डिटेल्स में जो है जान के इनका और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. सो टू प्रोवाइड द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है कवर करेंगे. सो सबसे पहले मैं इनपुट से स्टार्ट करूँगा. इनपुट का मतलब है कि कंप्यूटर में हम क्या इनपुट के तौर पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, एक यूज़र या एक प्रोग्रामर जो है क्या इनपुट प्रोवाइड कर सकता है. और इनपुट डेफिनेटली हम स्टैंडर्ड इनपुट होगा, तो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. सो कीबोर्ड जो है हमारा एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि देयर आर वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल फॉर ए कंप्यूटर, और इनपुट डिवाइस में जो है कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है. सिमिलरली अगर आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो मॉनिटर जो है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है. तो हम जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो भी एक यूज़र या प्रोग्रामर प्रोवाइड करेगा, वो कीबोर्ड के ज़रिए ही प्रोवाइड करेगा. एंड इनपुट फंक्शन क्या करता है, टू रीड इनपुट फ्रॉम द यूज़र. अगर यूज़र से दिया गया इनपुट को अगर रीड करना है पाइथन लैंग्वेज को, पाइथन इंटरप्रेटर को, उसके लिए पाइथन लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है एक इनबिल्ट फंक्शन. इनबिल्ट फंक्शन मतलब ये पहले से ही प्रोवाइडेड है, इसके कोड को जो है आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होता है. आपको एज इट इज़ इस फंक्शन का नेम यूज़ करना है और इसमें इनपुट प्रोवाइड करना है. एंड फंक्शन का नेम जो है वो है इनपुट, ठीक है. तो इनपुट और पैरेंथेसिस, तो ये फंक्शन का नेम है, इसको आप एज इट इज़ यूज़ करोगे. इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स से पहले वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे इस कोर्स में मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट वर्जन पे अप्लीकेबल है पाइथन के, और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3, ठीक है. तो पाइथन 3 से पहले जो पाइथन 2 है, पाइथन 1 है और पाइथन 0.9 है, उनमें ये पर्टिकुलर जो है फंक्शंस अप्लीकेबल नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन 2 की बात करें तो पाइथन 2 में जो है ये फंक्शन वर्क नहीं करता है. पाइथन 2 में हम रॉ इनपुट जो है वो यूज़ करते हैं. बट अगर पाइथन 3 की बात करें तो पाइथन 3 में जो है ये पर्टिकुलर सिंटैक्स जो है वर्क करता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको केयरफुल रहना है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं. आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो है लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा स्कोप होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए. ओके, सो इसका सिंटैक्स है इनपुट, और पैरेंथेसिस में एक मैसेज होता है, जनरली मैसेज नहीं एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन होती है. तो इसका मतलब ये हुआ, प्रॉम्प्ट स्क्रीन क्या बताती है, द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज यूज टू टेल द यूज़र व्हाट टू इनपुट. तो जनरली इससे ये पता चलता है कि यूज़र को क्या इनपुट जो है प्रोवाइड करना है. तो सिंपली अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, लेट्स से आपने इस तरह से लिखा, पाइथन इंटरप्रेटर शेल जैसे स्टार्ट हुआ कमांड लाइन में, इस तरह से स्टार्ट होता है एंगुलर ब्रेसेस से, आप सिंपली ये टाइप कर दें इनपुट और पैरेंथेसिस. जब आप इसको टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो न्यू लाइन पे आपको जो है इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा. लेट से मैंने इनपुट प्रोवाइड किया, नीलेश स्पेस कुमार स्पेस तिवारी, ठीक है, ये इनपुट मैंने प्रोवाइड किया. देन नेक्स्ट लाइन पे आपको इस इनपुट का जो है रिजल्ट शो होगा, ये इनपुट का रिजल्ट आपको स्ट्रिंग में शो होगा, नीलेश कुमार तिवारी, ये स्ट्रिंग, ठीक है. तो सिंपली टाइप करने से भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं. आ रहा है समझ में, ओके. सेकंड एग्जांपल, लेट्स से
मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, और इस वेरिएबल में के लिए मैंने इनपुट मेथड का यूज करके यूजर से इनपुट मांगा, ठीक है। और इसमें मैंने मैसेज एक प्रिंट कर दिया, एंटर योर नेम, ठीक है, ताकि यूजर इस मैसेज को रीड करे। रीड करने के बाद उसे यह समझ में आए हाँ मुझे क्या इनपुट जो है प्रोवाइड करना है। तो जब वो इस पर्टिकुलर मैसेज को रीड करेगा तो एंटर योर नेम, तो उसे समझ में आएगा कि मुझे अपना नेम एंटर करना है। एंड जब वो नेम एंटर करेगा मुझे वो उस नेम को मॉनिटर पे डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आउटपुट फंक्शन के लिए मैंने प्रिंट मेथड का यूज किया, ठीक है। तो प्रिंट मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है, हम वेरियस एग्जांपल्स में इसको यूज करते आए हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि प्रिंट मेथड की जो सिंटैक्स होती है और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। बट यहाँ पे सिंपली आप ये देख सकते हैं प्रिंट मेथड का यूज हम आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। प्रिंट मेथड के अंदर मैंने इस वेरिएबल को पास कर दिया, नेम वेरिएबल को। तो जब आप इस नेम वेरिएबल के अंदर लेट से इसको और फॉर्मेट कर देते हैं, यूजर नेम, यूजर नेम ये मैसेज मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो नेम से मैं इनपुट ले रहा हूँ वो मैं प्रोवाइड करूँगा। सो जो आपने डबल क्विट्स में रखा है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के जो नेम वेरिएबल है वो उसमें आप इनपुट के तौर पे जो है जो भी प्रोवाइड करना चाहते हो वो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, सबसे पहले आउटपुट में आएगा एंटर योर नेम, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ रिजल्ट की, तो रिजल्ट में आएगा एंटर योर नेम, ठीक है। देन यूजर विल रीड दिस मैसेज, और रीड करने के बाद वो क्या करेगा, लेट से उसने एंटर किया अपना नेम, उसने एंटर किया नीलेश कुमार एंड तिवारी, ठीक है, ये उसने नेम एंटर किया। देन इस मैसेज को एज इट इज डिस्प्ले होना है, तो यूजर नेम, और यूजर नेम में क्या आ जाएगा, जो भी उसने इनपुट में प्रोवाइड किया था कीबोर्ड के जरिए, तो कीबोर्ड के जरिए उसने ये इनपुट प्रोवाइड किया था वो इनपुट को मैं आउटपुट पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, नीलेश कुमार तिवारी, ओके। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि आपको समझ में आ रहा है कि इनपुट मेथड को हम किस तरह से यूज करते हैं, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड यू हैव टू बी, बस आपको एक ही चीज़ की केयरफुल यहाँ पे रहना है कि आप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इनपुट मेथड जो है बहुत सिंपल है, हम फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ भी करते हैं टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द आउटपुट फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज।